हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट द फिश टेल करेंगे लेस्ट। ओके, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। जो मछलियाँ रहती हैं वो बहुत से डिफरेंट साइजेस की रहती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, जो छोटी सबसे छोटी फिश रहती है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? ओके, आप बड़ी फिश को कैसे, कितनी बड़ी फिश को इमेजिन कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे 18 मीटर इमेजिन किया। ओके, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश रहती है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? हम कैसे, कितने मीटर लंबी फिश को इमेजिन किया? 18 मीटर। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो आपने फिश इमेजिन की है, 18 मीटर की फिश इमेजिन की ना हमने, तो वो अब स्मॉलेस्ट फिश से कितनी बिगेस्ट है? ओके, हाउ मैनी टाइम लॉन्गर है इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? लेट्स सी द आंसर। ओके स्टूडेंट, जो स्मॉलेस्ट फिश थी वो कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर की थी, है ना? जो स्मॉलेस्ट फिश थी वो 1 सेंटीमीटर की थी। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, लॉन्गेस्ट फिश इक्वल टू 10 मीटर लॉन्ग। ओके ओके स्टूडेंट, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन अ मीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, हमने लॉन्गेस्ट फिश इमेजिन की थी 10 मीटर। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 × 1000। 10 × 100 इक्वल टू 1000। ओके स्टूडेंट, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सो हमने जो लॉन्गेस्ट फिश इमेजिन की थी, कितने की थी? 18 की। ओके, सो 18 × 100 इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे, 100 को 18 से इंटू करेंगे, 0 0, 8 1 8 0 0। ओके, 8 as 8 8। ओके स्टूडेंट, 18 × 100 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, 18 × 100 इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। तो द लॉन्गेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट फिश। ओके स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोज़ेस बट फिश हैव नो नोज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। द व्हेल शार्क फिश
looks big and dangerous but is quite harmless. It does not attack human. The whale shark fish looks big and dangerous but it is quite harmless. It does not attack human. द बिगेस्ट फिश इज वेल शार्क. जो बिगेस्ट फिश रहती है वो वेल शार्क रहती है. इट इज एक्चुअली नॉट अ वेल. ये वेल नहीं है बट इज अ बिग बिग फिश. ये बड़ी बड़ी फिश है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. जो वेल्स रहती हैं वो फिश से डिफरेंट रहती है. ओके वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू. जो वेल्स हैं हमारे जैसे सांस लेती हैं थ्रू देयर नोज नाक से. बट फिश हैव नो नोज. लेकिन जो फिश हैं उसका नाक नहीं रहता. एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर. वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज. जो वेल्स हैं बेबीज को बर्थ देते हैं. बट फिश ले एग्स. जो फिश है एग्स पर एग्स देती हैं. द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस. जो वेल शार्क रहती है वो बड़ी और डेंजरस रहती है. ओके बट शांत रहती है और हार्मलेस लेती रहती है. इट डज नॉट अटैक ह्यूमन. वो ह्यूमन पे अटैक नहीं करती है. ओके वन वेल शार्क वाज अ लॉन्ग एज 18 मीटर. जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज. Standing one on the top of the other and guess what is weighted will much much more than weight is 12 of you together weight. Its weight was about 16,000 kg. Okay, student, now time to say bye. Bye bye student, have a nice day.